बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ड्रग्स मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए आज एनसीबी के ऑफिस पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सामने आई ड्रग्स चैट के बाद एनसीबी ने इन सेलिब्रिटीज़ को समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने अक्टूबर 2017 में अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से चैट की बात कबूल की है, लेकिन ड्रग्स लेने और खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। आज सुबह 9:50 पर दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने पूछा कि चैट में हैश का जिक्र है। इस पर दीपिका ने कहा कि ये ड्रग्स नहीं, हमारा कोड वर्ड है। करीब 4 दीपिका अपने घर के लिए रवाना हुई। सोशल मीडिया पे आई स्टैंड विद दीपिका ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पे ये हैशटैग दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। बता दें कि सुबह 10 ही दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची थी। दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। दोपहर 3:30 करिश्मा एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली। दीपिका पादुकोण के अलावा श्रद्धा कपूर भी शनिवार को लगभग 12 एनसीबी के ऑफिस पहुंची। एनसीबी ने लगभग 6 तक श्रद्धा से पूछताछ की। श्रद्धा ने भी ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया है। श्रद्धा और दीपिका के बाद सारा अली खान करीब 1 एनसीबी ऑफिस पहुंची। सारा ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान सारा अली खान का नाम लिया था। रिया ने पूछताछ में बताया था कि सारा सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। सारा और श्रद्धा दोनों ने ही अपने बयान में एनसीबी को बताया है कि वे खुद ड्रग्स नहीं लेती थी, पर उन्होंने सुशांत को ड्रग्स लेते हुए देखा है। श्रद्धा ने बताया कि सुशांत शूटिंग के दौरान अपने वैनिटी वैन्स में ड्रग्स लिया करते थे।